पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न प्रतिष्ठानों और कारखानों में मशीनों और कलपुर्जों की सफाई कर पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन सपा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान के नेतृत्व में किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में सत्यदेव शर्मा शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के संयोजक शंकर वर्मा बंटी ने दीप प्रज्वलित करके भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता भुवन तिवारी ने लोगों को संबोधित किया, क्या कुछ कहा चलिए सुनिए। पार्टी के नेता जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे नेता जो कहते हैं वो 24 घंटा के अंदर करते हैं। उन्होंने कन्या विद्यादान देने को कहा, दिया। लैपटॉप के लिए कहा, तो दिया। तो अगर वो हम लोगों से कह देंगे समाज के लिए ये काम हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो उन्हें रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं। जो अपने ठान लिया वो करके दिखाया। के साथ में आए हुए सभी लोगों का पूरा हम स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं और विश्वकर्मा जी की जयंती और बुढ़वा मंगल अनंत चतुर्दशी सभी पावन पर्वों पर आप लोगों को पुनः में बधाई देता हूँ। फिलहाल पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और आज ही गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश विसर्जन भी है। ऐसे में विश्वकर्मा जयंती पर कन्नौज से सपा नेता भुवन तिवारी ने बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया और लोगों को संबोधित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।